नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। बिग बॉस OTT2 का विनर एल्विस यादव बने। वो शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए थे। उन्होंने अपनी गेम प्लान से अपना एक बड़ा फैन बेस तैयार किया, लेकिन फिनाले वीक में बाहर होने वाली कंटेस्टेंट जिया शंकर ने विनर एल्विस यादव से भी बड़ा कारनामा कर दिखाया है। एल्विस यादव ने भले ही 25 लाख रुपए और बिग बॉस OTT2 की ट्रॉफी जीत ली हो, लेकिन जिया शंकर ने विनिंग अनाउंसमेंट से 4 गुना महंगी कीमत वाली एक लग्जरी कार खरीदी है। जिया घर में कुल 7 हफ्ते रहीं। इन 7 हफ्तों में उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। जिया शंकर बिग बॉस OTT2 की टॉप 6 कंटेस्टेंट्स रही। फिनाले वीक में वो बाहर हो गए थे। उन्होंने बाहर आते ही एक BMW कार खरीदी है। इस लग्जरी कार की कीमत जानकर आप दंग हो जाएंगे। जिया ने BMW X5 कार खरीदी है। ये SUV कैटेगरी की प्रीमियर कार है। ये 93 लाख से लेके 1.3 करोड़ रुपए के बीच में आती है। कार की कीमत इसके फीचर्स पर निर्भर करती है। इतनी महंगी गाड़ी तो शो के विजेता रहे एल्विस यादव ने भी नहीं खरीदी। पैपराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिया शंकर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें जिया को कार के पास नारियल फोड़ते हुए देखा जा रहा है। उनकी माँ कार की पूजा कर रही है। वहीं जिया पूजा होने के बाद पैपराजी को मिठाई भी खिलाते हुए दिखाई देती हैं। जिया शंकर की अभिषेक मल्हान के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों के बीच क्यूट बॉन्डिंग को ऑडियंस ने खूब पसंद भी किया। जिया ने अपने गेम प्लान और खूबसूरत अंदाज से ना सिर्फ घर में अपना खान कलेक्शन बनाया, बल्कि एक बड़ा फैन बेस भी तैयार कर लिया। जिया की वर्क फ्रंट की बात करें तो जिया ने मेरी हानिकारक बीवी, कार्टेलैन एंड सन्स, पिशाचनी जैसे TV शो में काम किया है। उन्होंने साल 2013 में तेलुगु फिल्म एंथा अनंडा उनवे के साउथ डेब्यू किया था, जबकि उन्होंने साल 2022 में रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख स्टार ब्लॉकबस्टर वेद से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।